इसे पकड़ लो और ये नु खड़ा मौनो सभी साथियों को मेरा जय वीर मेरा नाम विशाल है गांव रेडी से बहुत अच्छी बात है पढ़ने के जाओ ये जैसे प्रणाम है का इतना तो मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान रख पढ़ रहे हो पढ़ा अभी दर्शन पढ़ेगा ठीक है बाकी इतने की भी आती सभी भाइयों को मेरा कान दिखा दीजिए माय नेम इज राहुल माय नेम इज राहुल माय विलेज नेम इज बढेरी माय क्लास इज 11 सभी भाइयों को मेरा कान सभी भाइयों को मेरा जय भीम नमो बताए मेरा नाम अर्जुन और मैं नाइन क्लास का हूँ मेरा गाँव का नाम ठीक है बहुत अच्छी बात है मेरा नाम सभी को मेरा क्रांति का मेरा नाम कुमार बड़ेड़ी से हूँ और पीछे हो जाओ ये साइकिल में हूँ कभी तो होनी चाहिए मैं एकदम पढ़ने के लिए बहुत अच्छी बात है डिस्ट्रिक्ट कौन मुझे मालूम है क्या रहती करना चाहिए हम हाँ जवाब सबको मेरा कान दीजिए अभी मेरा नाम सुमित है मैं अभी पढ़ा हूँ मेरे गाँव नाम रही है बहुत अच्छी जय वीर मेरा नाम गौतम है मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता हूँ हरी अभी अरे भाई मारी को अरे सांप अरे पकड़ा दे सर हाथ में अभी तो कर नहीं सकते मास्टर जी ने सभी भाइयों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम मेरा नाम मोहन कुमार है फ्रॉम बडेड़ी से हूँ मैं गांव बडेड़ी से और 12th क्लास मैंने पास की है आप आ जाओ अच्छा तुम्हारे पैर में हूँ आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम मैं गांव भुराड़ी से प्रवीण कुमार हाई स्कूल पास हूँ बीमार भी का कार्य करता हूँ जय भीम जय भीम और जो परिचय के बिना रहेंगे वो अपने आप ही आ जाए सबका परिचय हो गया मेरा नाम अभिषेक कुमार है मैंने एंटरटेन पढ़ता हूँ गाँव का नाम बुलेटी बहुत अच्छी बात है सभी को ये बताइए कितनी आबादी है हमारी चमार कितने हैं यहाँ पर यहाँ से 700 बंदे हैं तो सी आर पी मैडम करे यदि आपने इंट्रोडक्शन ऐसा ले लिया है तो 20 में रह गए थे इस हफ्ते ऐसा क्यों मैंने क्या पूछ लिया भाई किसी को अगर सत्य कोई गलत बोला हो अगर तुम अपना परिचय देने में भी हिचकिचा रहे हो तो तुम देश में शासन कर जाओगे जिंदगी में क्या पूछ लिया बताए मास्टर जी आए थे एजुकेशन में पूछ रहे हैं इससे ज्यादा तो हमने कुछ नहीं पूछा ना हमने कुछ बताया क्या
क्या बताया गया इस समाज में, क्या करा जाएगा? 300 किलोमीटर से कम का है, लेकिन समाज की इतनी मट्टी खराब है कि फिर मुझे कहते हैं सारा तुम बोलते रहते हो, जहां भी जा रहे हैं पूरी मट्टी खराब है, ना तो बुजुर्गों को, ना बच्चों को, ना महिलाओं को कोई मतलब नहीं। अरे भैया, मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट करी थी कि यहाँ थोड़ा सा फर्क अदा करो, जो समाज के हमारे बुजुर्ग हैं, माता हैं, बहनें हैं, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ जो भी हैं, यहाँ बुलवाओ, यहाँ कुछ चीज देने के लिए आए हैं, शुरुआत की समाज आएंगे सब लोग, करोगे नहीं करोगे? हेलो अगर दोनों बात सुनो, इधर ध्यान रखो, 800 साल में मुसलमानों का मुल्क में शासन मिला दिया, इसीलिए इनका तू चला जा, तू चला जा, तू चला जा, लखनऊ की रेल नहीं गया, पहले अपना मर्जा था, खड़े हो गए जब चार चार लड़के जाओगे वो माता बहन हमारी चला जाते हुए लोग आए बंगला का कल बोल के गाते हैं यहाँ सबको, मगर कल 3 बजे करीब यहाँ आएंगे, पता नहीं किसी को भी, दुकान वाले को कहा गया था, यहाँ जो आदमी रहते हैं उनको हम कह कहा था भैया एक बात बताऊँ, ऐसे तो हमने पता नहीं कितने कामों में बोल दिया भाई, कल को प्रोग्राम होगा, लेकिन जो हमारे समाज में इतनी बड़ी कमी हो कि जिस आदमी को बताया जाते हैं ना वो आदमी दूसरे को बताएगा, बड़ी इतनी बड़ी तोहिन मानता है कि वह खुद तू बहुत दूसरे को बताएगा, ये हर जगह हर समस्या हर जगह हर गाँव में इतनी खराब स्थिति समाज की हो। अरे कर बोला नंबर अपने साइलेंसर को, जो नंबर आए तो बोलो। इतनी खराब स्थिति समाज की हो हर गांव में हर क्षेत्र में देखते हुए जा रहे हैं हम, घर से रस्ते से बुलाकर लाने पड़ते हैं, जिस तरह पहले कोई जैसे गुलामगिरी करते थे ना लोग, पहले पक्चल वाले खेल में नहीं चलने का तो बेड़ में बांध के ले जाएंगे, लेकिन हमें कोई इतना गंदे है जो हमारे पास आते भी इनको बहुत बड़ी परेशानी हो रही है, और किसी और का राम की लीला हो जाए या किसी और का अभी प्रचार हो जाए अभी सब निकल जाए, जय मैया अभी वो आ जाना प्याले का डीसी वाले माता का मंदिर देखो अभी महिला सारी माता देखना भी आ जाएगी एकदम तुरंत, लेकिन यहाँ अपने समाज को अपने इतिहास को अपने बड़े महापुरुषों को जानने के लिए ये इसलिए नहीं आ सकती कि भाई पता नहीं क्या बात है, बस यही कहा दे बस ऐसे ही बहुत कैसे ले जावे, तो जो इतनी दूर से 150 किलोमीटर दूर से आपके बीच में चल के आए हुए हैं, ये 150 किलोमीटर दूर से दिल्ली से आए हुए हैं, गाजियाबाद से आए हुए हैं, ये ऐसे नहीं है कि बच्चों वैसे जूते घसते फिरते बिना मतलब के, मैंने पहले ही बताया था आपको ना नोट चाहिए ना वोट चाहिए ना सपोर्ट चाहिए, लेकिन अपने समाज को जागरूक करने के लिए अपने महापुरुषों का इतिहास जानने के लिए कम से कम ये तो सुनने की कोशिश करेंगे भाई सच ये है या झूठा, और मैंने पहले भी लड़के यहाँ से कितने भेजे होगा भाई सबको बुला के लाओ, वैसे मैं गाँव का था नजदीक का रहने वाला, पर मुझे देखो मुझे क्या लाना चाहिए समाज से, मैं सहारनपुर से चलकर आपके बीच में आया एकदम, चलो कोई बात नहीं भैया, छत पर क्या कर रहे हैं भाई दूर लोग या पढ़े लिखे हो नहीं हो बारात थोड़ी चढ़ रही है यहाँ से अरे छोड़ो तुम यहाँ जो आएगा वहाँ जाओ
अपने साथ करामत करो, उनके चक्कर में यहाँ बैठे रहेंगे तो उनके लिए क्या बात। डीजे डोंट स्टॉप, आप लोग इधर बारे में मैं बार बार कह रहा था, नगर कोटा में एक तो ध्यान रखो, इधर को आगे ना तभी तो उसी उल्टी वाले भी इधर को आए थे, अपने मन बता दिए कि देखें किस बैठे हैं, हमारे संस्कार नहीं है, इसलिए तुम्हारा पता लगा रोज झूठ बज रहे हैं, रोज बहन बेटियों की इज्जत लूट रही है, भूतरी फाड़ा जा रहा तुम देश में, अरे देश की गंध बने पड़े हो सबसे ज्यादा। जो हमारे समाज के सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे हैं उनका सर झुक रहा है, वो अपने बच्चों का पेट काट काट कर रोटी लगा रहे हैं, और जरा सी पूछे बस हमारी गली कर दिया, हमारी गली कर दिया, ये हालत है समाज की, क्योंकि संस्कार तो है नहीं, बड़े मोटे मर गए बुढ़ो के खाने में और छोटे जो चले गए सलीमा और भी घर में। तो हमें कम से कम ये ध्यान रखना कि हमारे बीच में कोई हस्ती आई है, कोई कहीं से आया है, कोई चीज नहीं ले रहे, आपको आने वाले व्यक्ति मास्टर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई भी फलाज नहीं है, तो क्या हमारा फर्ज है? कुछ नहीं है, अभी जरा जगह वो आज तक काट दिया, हमारे माता को कर दिया, चलो कोई बात नहीं, जो आएगा वो आ जाएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा, इधर भी ख्याल रखो, क्या इधर उन्होंने किया स्कूल में कहते जाते हो 500 आदमी काम कराएंगे नीचे जो तुम्हारे घर में बैठे हैं, 500 सुबह की यूनिवर्सिटी का प्रबंधक है, ये तुम्हारा सौभाग्य है जो यहाँ आ रही है, अब मेरा तो मिलेगा तुम्हें सालों टाइम, इनका तो मिल भी जाएगा यूनिवर्सिटी में जाके, मेरा तो सालों ना मिलेगा, इसलिए कोई आदमी अगर अपने बाहर डाल सबसे पहले सीखो कि हमें एक नाम कैसे सूत्र में बदलना, हमें कैसे सुन लिया, हम कैसे इकट्ठा करना, नमाज होती है गाँव में नहीं, अजान होती है कितनी दफा होती है, 5 दफा होती है, अजान प्रतिदिन 24 घंटे 365 दिन 5 दफा नमाज होती है, और कोई चीज अलग अलग तरफ नहीं होती, आज की नमाज में ही और कब की बनी, 5 चीज एक चीज पढ़ाई वो इसलिए होते हैं, खाने का टाइम क्या, उठने का टाइम क्या, नहाने का टाइम क्या, बात करने का टाइम क्या, कुछ सीख लेना चाहिए हम दूसरों से, लेकिन हमारे इस समाज की आदत है कि एकता हम कुछ जानते नहीं और दूसरा किसी की मानते नहीं। मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम देवेंद्र कुमार गौतम है, मैं डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद के रहने वाला हूँ, राजनगर डॉक्टर बी आर अंबेडकर पार्क के का रोड पर 7वीं 35 साल में गवर्नमेंट एडवांस काट लिया उसका मैं सदस्य हूँ, और दीपुद्धि सोसाइटी ऑफ इंडिया का मैं मंडल अध्यक्ष हूँ, जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा स्थापित है। हमारे बीच में राजकुमार सागर साहब है, साबिर का अभिनंदन करता हूँ, जो सुभाषी यूनिवर्सिटी के प्रबंधक है, जो आपके फ्यूचर के बारे में मास्टर डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट जो भी बनना है वो साहब आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन बाद में हमारी बात सुनने के बाद। हमारे बीच नरेंद्र मोदी आए, गाजियाबाद से सामाजिक कार्यकर्ता है, और परम तीन दिन जो हमारा समय बचता है बाबा साहब के विचारों को फैलाने में सहयोग करते हैं। हमारे बीच बांटते जुगल किशोर जी जो आपको मुझे करते हैं, कौन से काम से हम ये बाबा साहब की विचारधारा को यहाँ बढ़वा रहे हैं, गाँव गाँव आपके हर गांव के अंदर जहाँ जाकर अपनी तरफ से। हमारे बीच में भीम लाल जी है, रोशन लाल जी है, रोशन लाल जी ये भी निराला गाँव से है, ये सहारनपुर का अभी आया तो सुशराव से देखना चाहते हो उससे, इसीलिए हमारे भीम लाल जी ने जो वीडियो बना ली, एक बार अभिनंदन करते हो रोशन जी आपको, ये जो अपनी खेती बाड़ी भी कर रहे हैं उसके बाद बाबा साहब की विचारधारा को बढ़ाने का कार्य कर, ठीक है सर। हमारे बीच में वायदा वायदा खड़े होगा, जब 3 महीने तक लग रहे हैं आज तक पंचायत नहीं दिया गया, दूसरों को कह रहे हैं अपने वो कुछ नहीं कह रहे हैं, बोलो गांव में रहना, नाम सोलाराम, काम क्या करते हो, मजदूरी में क्या करते हो, मजदूरी सब काम करो जी, सब चोरी भी करो, चलो कोई बात, हमारे युवा साथी जो भीम लाल जी कुछ अपनी बात रखेंगे, जरा उनका स्वागत करो। जोर से जय भीम, 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 इधर कोई चला करता है भगवान
भगवान बुद्ध की मेरा नाम भीमलाल गांव भंडिया थाना सभा के लोग नगर से हूँ और आपकी दिल्ली गांव का हूँ भंडिया से। ठीक है, सम्मान एक अधिकार यूट्यूब चैनल के तहत हम आपको आपकी जानकारी का दूर दूर देश विदेश में फैलाने का काम कर रहे हैं। समाज को एकत्र कर रहे हैं, समाज इकट्ठा एक होकर मिले तो शायद भला हो पाएगा ना, नहीं तो कुछ नहीं होगा भाई। अब से करीबन 40 गांव में हम जा चुके हैं, हर गांव का यही स्थिति है, यही हाल है। ऐसे तो नहीं चलो भाई, माइक को पकड़ने में भी बड़ी दिक्कत हो रही है, ये तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो सांप पकड़ कर दे दिया था यार। तो शिवजी वालों अंदर शिवजी बड़े सांप के रो अगर सच में सांप आ रहा है तो क्या होगा, भाग जाएंगे एक दिन भी नहीं रहा। तो भाई ये हमारे प्रबंधक साहब हैं यूनिवर्सिटी से सुभाष से राजकुमार सागर जी, अंतरेंद्र घोष जी, राजकुमार स्वामी जी, गांव मुक्ता से मास्टर जी रोहन लाल जी, सोफाराम जी गांव में विधान से इस मिशन के इस मिशन को आगे चलाने के लिए बढ़ाने के लिए लगातार संघर्ष चल रहा है और आप भी इस संघर्ष में शामिल हो, बाबा साहब की विचारधारा को बढ़ाने का काम करें। हर आदमी की जिम्मेदारी बनती है, हर युवा की जिम्मेदारी, ठीक से समझ लो सोच लो। ये राखी पानी किस किस से बांध रखी गई, नहीं हाथ पकड़ में राखी दी गई हो, रक्षाबंधन हो। अच्छा, बाबा साहब की याद क्यों मनाई जाती है, कितने साल बाद हो, कई साल बाद कुछ तो हो, क्यों 10-15 साल, बहुत बढ़िया। तो भाई मेरे भी शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा और मेरे और भी बहुत सारे साथी हैं भी कुछ कहना चाहेंगे, हम सब इनके ज्यादा भाई बात होगी। ठीक है, भीमलाल जी का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। साथियों मैं आप लोगों को बता दूं, आराम से होकर बैठो, ना आपकी बोल चाहिए, ना नोट चाहिए, ना सपोर्ट चाहिए, खुली जगह, ना नोट, ना बोर्ड, ना सपोर्ट, जो धुआं देके जाऊंगा लेके कुछ नहीं जाऊंगा, सिर्फ आपके 2 घंटे चाहिए। दो में भी कोशिश करेंगे 1 घंटे की, लेकिन 2 घंटे आपके चाहिए, दिल और दिमाग वो यही रहना चाहिए। दुनिया में क्या हो रहा है छोड़ दो, जब तक हम यहाँ रहेंगे आपका दिल और दिमाग ध्यान, हम जो 2 घंटे आपके मांग रहे हैं अगर आपने ध्यान से सुना तो हमारी ये गारंटी है कि आपके जीवन में अब तक कौन कितने आए इससे आगे मतलब, लेकिन आज आपके जीवन के अंदर 10% उजाला जरूर हो। ठीक है, तो थोड़े थोड़े से अगर आ जाओगे आप लोग भी तक कैमरे में आ जाओ, क्योंकि मैं कहीं कहीं रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, 1 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हुए, आप तो द्वार में नहीं हो, अगर यहाँ हो गए तो गैलरी हो गई, कुछ बेटे होते नहीं बैठे मेरे साथ को हाथ लगा। जो भी बच्चा उसके जवाब देगा, मुझे ये बताएं इंटर पास कितने बच्चे हैं, जो इंटर पास है हाथ उठाए,
बहुत बहुत साधुवाद। बी ए एम ए एम एस सी बहुत बहुत साधुवाद है। एक बार ताली बजा दो जरा सर। साथियों यह बाबा साहब डॉक्टर पेड़ की जयंती कितने दिन से बनती है यह हाथ में बताओ। हाँ बताओ बताओ। 10-12 साल पक्का बुढ़े बुढ़ो गए आप लोग बताइए सहमत है आप इस बात से सब लोग हाथ उठा रखो हमेशा। 10 साल के लगभग तो बनती है ना। बहुत बहुत साधुवाद है आप लोगों को। धन्यवाद है आपको कि बहुत सारे गाँव होते हैं यहाँ जयंती की बनती है आप 10-12 साल से जयंती होती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जन्मतिथि क्या है। देखो एक दूसरे को टच किया इधर आओ। क्या नाम आपका पढ़ाई क्या है। अच्छा बहुत ही डेट बताइए बाबा साहब की। 14 अप्रैल 1800 फिर बात सुनो अगर पेपर देने जाओगे तो दूसरे का मारो। अभी मैं तुम्हें बहुत साल करने चला था अभी 10 मिनट बाद देगा तुम्हें रात को नहीं इतना और कल को भी लोग एक साल पहले नंबर ले जाने का किताब है का नहीं इसका बाबा साहब जी। फिर क्या था पता चली जब तब तब ये तो पढ़ ली बात ठीक है ठीक है ना। कोई किताब पढ़ी नहीं क्या। नहीं किताब पढ़ी है बाबा साहब की। कौन से राइटर थे। स्कूल में बच्चे से पैसे भी लिए लेकिन मेरा एग्जाम नहीं पाया उन्होंने किताब भी छपा के बंटी वो भी रख दिया लेकिन मेरा एग्जाम नहीं पता नहीं। चलो कोई बात नहीं बहुत बहुत सकता है इस बच्चे को एक दे दो आ जा आ जा आ जा आ जा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कि मैंने सवाल करा था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जन्मतिथि क्या है जो भी बच्चे बता सकता होता हो। आओ हर सवाल को दूंगा कि 14 अप्रैल 1800 कहाँ पे पैदा हुए। हाँ अभी उसने बताया था तेरे मुझे को बता दिया मुझे कुछ नहीं आया। मैंने एक सवाल इसलिए करा था कि हम 14 भाई इसे हम पढ़ाओ दोस्त। हेलो अभी तक बिल्कुल बंद कर लेते रात को पढ़िए कि हम 12 साल से डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं और मैंने इंटर पास लड़कों का हाथ उठवाए बी ए वालों के एम ए वालों के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का परिनिर्वाण कौन सी डेट में डेथ डेथ कौन सी तारीख हुई पढ़ा होता जो बोले यहाँ का बोला सब गिफ्ट दे बोले 6 दिसंबर 1956 कहाँ पे दिल्ली। दिल्ली तो बहुत बढ़िया मेरी तक आ रही है दिल्ली आप मुजफ्फरनगर दिल्ली में ही है। कहाँ पहुँचे दिल्ली में। किताब पढ़ी आपने बाबा साहब की। पढ़ी है। कौन सी टाइटल का सर पता नहीं। आपने किताब ही ना पढ़ी ते तो इसे इसे एक बच्ची उधर किताब ही ना पढ़ी मैं पढ़ने वालों को जानता हूँ। मेरा नाम अंकित कुमार। एजुकेशन क्या बताई। मेरा बी ए सेकंड ईयर बी ए सेकंड ठीक बैठ 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 बाबा साहब डॉक्टर बच्चों आ जाओ भाई आ जाओ बेटा आ जाओ आ जाओ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कितने देश में पढ़ाई करी थी। एक गिफ्ट हो ये है जानकारी जो लोग बहुत जानकारी है आप सबको। मैंने आप लोग 10 साल से जयंती मना रहे हो और इंटर बीए पढ़े हुए हो तो अगर ये लोग आपसे 14 अप्रैल पे ये क्वेश्चन करते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा तो क्या जवाब दोगे। स्कूल नहीं जाते हो वजीफा ना मिलता बाप दादा का मार्ग रखा है स्कूल में जो एक ब्राह्मण का बच्चे उस स्कूल में एडमिशन ले रहा है उसका बाप ले जाकर उसे 50,000 रुपये देकर मैं लौटेगा एडमिशन कर दो जी और तुम्हें 50,000 रुपये स्कॉलरशिप मिल रही है कौन देगा हम बड़े बूढ़े देगा तुम्हारे बाप दादा लगाएगा तुम आगे। कभी क्वेश्चन करा आपने माइंड में कि मैं भी जा रहा हूँ ब्राह्मण का लड़का भी जा रहा उसको अंदर जब पैसे देने पड़ रहे आपको मुझे गवर्नमेंट कह दिया आज पढ़ना तुम पढ़ रहे हो स्कूल में जाकर पढ़ रहे हो
पढ़ना पढ़ना ना फॉलो करना। अभी सब लोगों के चेहरे पर नहीं ना होती, क्या जवाब दोगे? है कुछ जवाब? कुछ नहीं है। इस देश के कमाड़ों को, इस देश के कमाड़े वाले क्या कमाड़ की कीमत तुम्हारी झंडी उसकी होती है। एक लड्डू आया उसने उर्दू सुनता करा अपना चला गया जो जय भी जय भी जय भी एक अप्रैल तक चौदह अप्रैल तक कपड़े पाड़ो 15 तारीख को पता नहीं था। ये शरण की बात है कर्म की बात है? हर क्या बोला? शरण की बात है कर्म की बात है? ये शरण उतरेगी या नहीं? जिसको संसार की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ये कहती है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कि सिंबल ऑफ नॉलेज, अब उसकी जनरेशन इंटर बी ए एम एस सी जन्म कितनी पता भी? बस बस एक चीज सीख रखी है कि एक तो हम जानेंगे नहीं, दो जान के दिखाएंगे। एक किताब है डॉक्टर अम्बेडकर की, आया कोई नहीं जाना कैंपर का नहीं था, ऐसी नॉलेज देने के लिए आप लोग उसे अच्छे ज्ञान की बात करेंगे। भाई बेटे चल चल खेल ज्ञान की बात लेने के लिए अभी यह नाचने वाली आ जाओ। अभी हमारे अच्छे साल का मुद्दा भी ना कपड़े फाड़े हो जाएगा बुढ़िया से खेच रहे सपना चौधरी आ रही है पैसे वर्षा कम बहुत हमारे बीच में हमारे आदरणीय रोशन लाल जी हैं और उसके साथ में सागर साहब है मास्टर जी हैं तो हमारे मास्टर जी की छोड़ दिया आएंगे शॉर्ट कटों की टाइम आ गया। सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भी। सबसे पहले तो था गौतम बुद्ध भगवान का नमन और संत श्रीमणि रविदास महाराज जी के चरणों में नमन और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बाबा साहब जिन्होंने हमें इस जलालत भरी जिंदगी से इस गंदगी से बाहर निकाला उनको मेरा छोटी कोटी नमन और नमन तमाम महापुरुषों को इन्होंने समाज में जन्म लेकर के हमारा उद्धार किया है। देखिए साथियों जीत तो पशु और पक्षी भी जो भी अपने भोग बिटाते हैं और हमें अपने भोग बिटाते हैं फर्क है तो उनमें और हमारे में सिर्फ ज्ञान का है। हम ज्ञानवान हैं और वो अज्ञान है। इसी कारण कितना भी बलशाली पशु क्यों ना हो मनुष्य से अपने बस में कर ही लेता है। तो देखिए साथियों ये प्रोग्राम जो गांव गांव हो रहा है इसमें हम समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं और आज से लगभग 5000 साल पहले तक हम गुलाम रहे और गुलामी की जल्दी हमारी खत्म नहीं होने वाली और खत्म कब होगी जब हम उस गुलामी के प्रति जागरूक होंगे। जागरूक हो जाएंगे तो गुलामी अपना खत्म हो जाएगा। हम आज भी मनोवादी बड़े गुलाम मनोवैज्ञानिक गुलाम कैसे जितने भी तीर्थ त्योहार हैं सारे के सारे मना रहे हैं। मना रहे नहीं होली सब मना रहे हैं दिवाली गोधन और भैया दो और करवा चौथ ये सब मना रहे हैं क्या काम मानते नहीं मना है? तो हम जो है मनवादी व्यवस्था के गुलाम। तो मैं देखिए साथियों ये कह रहा हूं कि हमें जो इन व्यवस्था को छोड़ना है और अपने बच्चों को पढ़ाना है। जो भी कुछ हासिल कर सकते हैं हम केवल पढ़ाई के द्वारा ही कर सकते हैं और समाज जो दूसरा तरक्की कर रहा है वो पढ़ना है और हम पढ़ रहे हैं। तो हमें जो है ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों के ऊपर फोकस करना है उनकी देखरेख करनी है हमें पढ़ाना है उनको और जो बच्चे या जो समाज
पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। तो देखिए साथियों, ये शब्द के साथ मैंने सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, मास्टर जी ने जो बताया आप लोगों को कि 365 दिन में हमें ये बताया, वैसे तो आप मुझे देख रहे हो गरीब आदमी हो, गरीब है नहीं हो, हाथ हाथ हमारे नाना साहब ने घोषणा करी है मैं 1,00,000 रुपए दूंगा, अभी देखे जाएंगे चेक है। आप हम लोगों ने अभी प्रॉमिस करा कि हम गरीब आदमी है, ठीक है। मुझे ये बता दो गरीबी के कारण 365 दिन में तुम्हारे घर में कौन सा त्योहार ना होली ना मनी, दिवाली ना मनी, रक्षाबंधन ना मनाओ, भैया दूज ना मनाओ, गाय भैंस की टट्टी ना खुशी भैया कौन सा त्योहार ना मनाओ पैसे में, कि भाई गरीबी के कारण हमारे घर में क्यों मना पैसा रुका है, कैसे गरीब हो। 365 दिन में हमारे समाज का एक भी घर ऐसा नहीं है क्या कर्जा लेके आवे, लेकिन त्योहार जरूर मनाए। स्कूल कितने अच्छे हैं या ना हमारी जनरेशन को पता ना हमारे बड़े बुजुर्ग कि हमारे बच्चे कहाँ स्कूल में जाने चाहिए, इनके फोटो अभी देखो, इनके खींच खींच कर अगर मैं भेज दूँ तो कहेंगे 72 साल में डॉक्टर अम्बेडकर जी बैठे लंबे। हमने कभी अपनी कीमत जानी है इस देश में बाबा, एक सवाल में पूछूंगा, 2-3 बुजुर्ग हमारे बैठे हैं आप खड़े हो जाओगे बाबा। हाँ क्या नाम है आपका, आपकी उम्र कितनी है, उम्र 85 साल। ये जो वक्त आज देख रहे हो इस तरीके का, ये आपसे 50 साल पहले भी था या कैसे हालत थे, क्या हालत थे पहले 50 खराब हालत थी, रोटी वोटी ठीक ठाक की तरह, अरे रोटी वोटी जो हमारे समाज की स्थिति आ रही है, छोटे बच्चे देख रहे हो पढ़ने लिखने वाले, ये आपके टाइम में जैसे आप इस उम्र में थे ऐसी था, क्या चीज थी खराब, कपड़े कपड़े भी खराब हो गए, अफसर थे थोड़े सारे, जो लोग आपको छुआ छुआ करते हैं उनको छोड़ने की कोशिश करी ना, हाँ जी क्या कुछ भी सब छुआ छुआ कर रहे हैं। साथियों, ये सवाल है मेरा, भारतीय संविधान से पहले कौन सा विधान चलता था, खड़े हो एक दूसरे को देखेंगे ना, जिंदगी में रह जाएंगे उनको आ जाओ। हाँ क्या नाम है आपको, छोड़ दो सर मेरे बात कर, क्या नाम है, अजय कुमार, एजुकेशन क्या फाइनल, ये फाइनल कहाँ से कर रहे हो, अच्छा क्या था संविधान से, मनुष्य क्या कहती है मनुष्य।